कुर्सी छोड़ो आराम करो। दैनिक समाचार से हम आपको बताएं, छात्र जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और वजह क्या है वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। ये सिक्स सेम के छात्र हैं जिसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। आपको बोलना क्या नाम है? शिवानी। क्यों प्रदर्शन कर रहे हो सर? इनको क्यों प्रदर्शन कर रहे हो सर? हमारा मेन मुद्दा यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हमारे जब सेशन बिठाया था उससे पहले हमारे हुए थे फिफ्थ सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन एग्जाम्स। ऑफलाइन एग्जाम्स इन्होंने 20-25 डेज में कंडक्ट करवा दिए थे, ऑनलाइन एग्जाम्स में इन्होंने लगाया था 1.5 महीना। आप बताइए कौन सा यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए 1.5 महीना लगाता है? देन हमारा सेशन बैठा था जुलाई के मंथ में, जुलाई स्टार्टिंग में, 1 जुलाई को। उसके बाद इन्होंने हमारा इंटरनल सिलेबस खत्म करने में 1 मंथ लगाया था। जुलाई एंडिंग में हमारे इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हुए जो कि अभी 12 अगस्त को जाके कंप्लीट हुए हैं। तो 12 अगस्त के बाद अगर आप क्लासेस देखें तो 12 अगस्त से आज लगा लीजिए, टुडे इज 23rd, तो हमारे को 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त, यानी कि 15 से 31 तक हमको 4 यूनिट्स कंप्लीट करने हैं। एंड हमारा एक एक यूनिट सर वो 2 चैप्टर्स के बराबर है, तो इन टोटल हमको मतलब 8-8 चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं इफ यू सी द सिलेबस ऑफ साइंसेस। तो सर हमारी यही डिमांड है कि उन्होंने हमको बोला है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स लेंगे। सर 15 डेज में कौन सी यूनिवर्सिटी अपने 4-4 यूनिट्स कंप्लीट करवाती है? टीचर्स के ऊपर प्रेशर है, पीछे से इनको गाइडलाइंस मिली है कि सिलेबस कंप्लीट करो, बच्चे कुछ इनटेक कर नहीं रहे हैं, टीचर्स अपनी पूरा डिलीवर कर नहीं पा रहे हैं, बच्चे इम्बाइब कुछ कर नहीं रहे हैं, तो हम एग्जाम्स जो है वो कैसे दें? हमारी मेन डिमांड है, हमें डिले नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत पीछे हैं, सारी यूनिवर्सिटीज से बाहर इतना कंपटीशन है हम नहीं कम्पीट कर पाएंगे, और हमारे पास इतनी यूनिवर्सिटीज है नहीं, सीट्स है नहीं जम्मू यूनिवर्सिटी के पास, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के पास कि हम आगे मास्टर्स के लिए जा सके। और हम चाहते हैं कि जो टाइम डिसाइडेड है उसी में पेपर हो, बट हमें ओपन चॉइस मिले और थोड़ा सा रिडक्शन हो सके तो वो करवाई जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ है साइंसेज के लिए स्पेशली, क्योंकि इतने ज्यादा सिलेबस है, टीचर्स भी हमें मतलब वाइंड अप कर रही है सिलेबस इतनी जल्दी जल्दी, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा हमारी क्लासेस, और हमें चाहिए रेगुलर क्लासेस भी ज्वाइन करनी है। अभी हमारे इंटरनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं और एक्सटर्नल्स भी है अगले हफ्ते से, तो हमारे पास इनके 5 दिन बचेंगे। आप बताइए 5 दिन में 16 यूनिट्स हो सकती है किसी से? सेकंड चीज हम देखिए, जम्मू प्रोविंस की 2 यूनिवर्सिटीज है, जम्मू यूनिवर्सिटी एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी, दोनों यही प्रॉब्लम फेस कर रही थी। बोथ द कॉलेजेस वॉन्टेड ऑनलाइन एग्जाम्स इन द एंड फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, बट जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपना टाइम टेबल कैसे स्ट्रीमलाइन कर लिया? व्हाई इज दिस फेलियर इन द पार्ट ऑफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी? क्लस्टर यूनिवर्सिटी को क्या प्रॉब्लम था? इन्होंने ऑनलाइन एग्जाम इतना डिले कर दिए, जम्मू यूनिवर्सिटी एक्सटर्नल एग्जाम्स ले रहे हैं, वो बच्चे फ्री हो जाएंगे, वो बच्चे जूट की जो एंट्रेंस एग्जाम्स है उसके लिए आराम से प्रिपरेशन करेंगे। हमें ये डर है हमारे एक्सटर्नल एग्जाम्स के साथ अगर जूट का एग्जाम कोइंसाइड कर जाते हैं तो हम क्या करेंगे? हमको वो एग्जाम भी देना है, हमको अपने एक्सटर्नल भी देना है, हम कुछ भी निग्लेक्ट नहीं कर सकते। एंड क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने हमें इस लायक भी नहीं छोड़ा कि हम जम्मू के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाए, इन द एंड हम कुएं के मेंढक रह जाएंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी और क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सो वी वॉन्ट कि हमें ओपन चॉइस हो जाए, ओपन चॉइस मिले और हमारे एग्जाम जल्द से जल्द कंडक्ट करवा दिए जाए विद ओपन चॉइस, ताकि हम 3-3 यूनिट्स करके भी एटलीस्ट एक अच्छे मार्क्स ले सके। आंसर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एवरेज बच्चा आया है, स्टूडेंट्स फ्रॉम एवरी यू नो दे आर फ्रॉम एवरी परसेंटेज, 90% वाला बच्चा भी यहाँ पे दिखेगा, मीडियम का भी दिखेगा एंड नॉर्मल बच्चा भी दिखेगा। तो सबकी डिमांड यही है, वी वॉन्ट ओपन चॉइस, दैट्स इट, थैंक यू। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम रघुनंदन है और मैं एमएम कॉलेज का छात्र हूँ। सर ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी जब से बनी है तब से विवादों में गिरी हुई है, 2017 में ये बनी तब से ये विवादों में गिरी हुई है। जब हम एडमिशन लेते हैं तब भी हम प्रदर्शन करते हैं और अब हम एग्जाम देने जा रहे हैं तब भी हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने बच्चों की मतलब आप इनके कानों तक जू तक नहीं रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इन्होंने 4 महीने का सिलेबस हमारा 2 महीने में कम्प्लीट करवा रहे हैं, 3-3 घंटे की हमारी क्लासेस ले रहे हैं, बटन दे रहे हैं ऊपर से, और हमें हमारी सिंपल सी डिमांड है, हमें ओपन चॉइस चाहिए और कुछ नहीं, इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हम 6 सेम के हैं और हमने जब एडमिशन ली थी तब भी हमने प्रदर्शन करके ही एडमिशन ली थी, तो इनको पता होना चाहिए, इनको अपना इतिहास पता होना चाहिए। हमने इनसे बात की आपने अभी, ये क्या कह रहे हैं? इनको अभी हमने 10 दिन पहले एक मेमोरेंडम दिया था, इन्होंने कुछ नहीं उसका जवाब दिया हमें, और हम इसलिए हमने प्रोटेस्ट किया, हम ऐसे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। और
जब हम मतलब एग्जाम शुरू कब हो रहा है? एग्जाम अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में, मतलब अभी तक हमारे इंटरनल नहीं खत्म हुए, अभी इंटरनल प्रैक्टिकल चल रहे हैं हमारे, और 10 दिन का समय नहीं दे रहे हमें ये करने के लिए। अगर आप हमें समय नहीं दे रहे तो हमें ओपन चॉइस देना, हमें ये हमारी यही डिमांड है कि हमें ओपन चॉइस चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल, कहाँ से आए हो? जम्मू से। कहाँ से? जम्मू से। कहाँ पे? हाँ जी, बीजेपुर। बीजेपुर से आए हो? अच्छा, आप यही मांग ओपन चॉइस चाहिए हमें। तो ये छात्र देखें, ये सभी इस तरफ अगर कैमरा करके देखेंगे तो ये छात्राएं भी जो हैं वो यहाँ पर हैं, ये सारे युवा जो हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और वजह है कि ओपन चॉइस चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम गुरजिंदर सिंह है, एमएम कॉलेज का प्रेसिडेंट जेजेएसएफ की तरफ से। तो आज हमारी यही डिमांड है कि ओपन चॉइस की जाए। हमें 2 महीने पहले इन्होंने क्लासेस स्टार्ट की, जब क्लासेस स्टार्ट की उसमें हमारे हॉलीडेज थे और साथ साथ में हमारे इंटरनल प्रैक्टिकल चल रहे थे। 2 महीने पहले स्टार्ट की, 2 महीने के अंदर कंप्लीट हो गई। 2 महीने के अंदर अभी भी चल रही है, अभी भी क्लासेस चल रही है। आपने नहीं पढ़ा अभी तक सर? जितना अभी तक टीचरों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ, और मतलब 2 दिन के बाद ये कह रहे हैं कि हमें सिलेबस खत्म हुआ, हमें रिविजन का टाइम ही नहीं दे रहे। ऊपर से हमें ओपन चॉइस दें या रिडक्शन करें या कुछ और सोल्यूशन निकालें। तो ये सारे छात्र जो हैं ये एक ही मांग कर रहे हैं कि हमें ओपन चॉइस दें, और उसकी वजह ये कह रहे हैं कि 2 महीने पहले इन्होंने सिलेबस शुरू किया पढ़ाना और 2 महीने के अंदर वो खत्म करने की स्थिति में पहुंच गए। कुछ भी समय अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन एग्जाम जो है वो शुरू होने वाले हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, उन्होंने इनकी नहीं सुनी, उसके बाद ये छात्र जो है वो प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए और आज इन्होंने प्रदर्शन किया है। तो इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।